खाना खा ले बेटा। बेटा थोड़ा सा खा ले वरना तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं छोटी माँ, मुझे सच्चे मुच्चे बिल्कुल भूख नहीं है। आप लोग मुझे डैडी के पास ले चलो ना प्लीज। देख तू ये खाना खा लेगी ना तो हम तुम्हें जरूर तुम्हारे डैडी के पास ले चलेंगे सच्ची मुच्ची। देख बेटा अगर तू नहीं खाएगी तो घर में कोई खाना नहीं खाएंगे और तेरे लड्डू गोपाल मामा भी नहीं खाएंगे। देखो वृंदा तुम इस तरह से भूखी प्यासी रहोगी तो कैसे काम चलेगा। तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो तुम ये सोचो कि तुम्हें मोहन की देखभाल करनी है और इसीलिए तुम्हारा अच्छा रहना बहुत जरूरी है। खा लो बेटा। रड़वानो नहीं, देख तेरे डैडी अब भी जाकर जल्दी वापस आ जाएंगे, अच्छे होकर वापस आएंगे। शांति जी। कान्हा जी आपने मोहन जी की रक्षा करके आप में मेरे विश्वास को और मेरी भक्ति को और भी मजबूत बना दिया है, लेकिन मैं अपना उपवास तभी तोड़ूंगी जब मोहन जी सकुशल घर पहुंचेंगे। वृंदा जल्दी आओ, मोहन को होश आ गया है। देखा डैडी, मेरे लड्डू गोपाल मामा ने आपको ठीक कर दिया। आपको पता है डैडी, मैंने तो उनसे कह दिया था कि अगर आपने मेरे डैडी को ठीक नहीं किया ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन देखो ना वो कितने अच्छे हैं, उन्होंने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया। अब हम लोग बहुत जल्दी घर जाएंगे, है ना? ठाकुर जी का लाख लाख शुक्र है, हमारे मोहन भाई ठीक हो गए। हाँ पारुल भाभी, पहले माँ हर अब मोटा भाभी हर परेशानी में अखंड ज्योत चलाती है और हम लोगों ने भी पूरे विश्वास के साथ अखंड ज्योत चलाई। आखिर में ठाकुर जी ने हमारे मोहन के सिर पे हाथ रख ही दिया ना। हमने तो माँ भवानी के जागरण की मन्नत रखी है, जैसे ही मोहन भाई सा घर आते हैं तो सबसे पहले वो ही करवाएंगे। एक्यूज़ मी, राजपूतानी, माँ भवानी के भोग का प्रसाद मैं बनाऊंगी। हाँ हाँ ओके। डैडी आपको पता है जब से आप हॉस्पिटल में हो ना तब से ना तो वृंदा माँ ने कुछ खाया है और ना ही पानी पिया है। शायद इसी वजह से कमजोरी आ गई होगी, ये तो वहां गिर गई थी। आओ ना वृंदा माँ, चलो। डैडी अब आप अपने हाथों से वृंदा माँ को पानी पिलाइए और उनका व्रत खुलवाइए।
लोग